और अब एक ऐसी खबर जो मालदीव चीन के नापाक गठजोड़ को दर्शाती है। बड़ी खबर यह है कि चीन मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। चीन की गोद में बैठा मालदीव अपने समुद्री इलाके के दुरुपयोग की खुली इजाजत दे रहा है। बड़ी खबर तो यह है कि मालदीव ने गुपचुप तरीके से अपने इकोनॉमिक जोन में चीन के जासूसी जहाज जियांग यांग होंग O3 को डेटा जुटाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि चीन की पहुंच लक्षद्वीप से करीब 700 किलोमीटर दूर तक बन गई है। और मालदीव की इस हरकत के बाद इस बात का भी शक है कि चीन का जासूसी जहाज आसपास के इलाकों का डेटा जुटा सकता है। इसकी पहुंच भारत के तटीय इलाकों तक भी हो सकती है। ऐसा तब हुआ जब श्रीलंका ने चीन की नापाक इरादों को भापा और जासूसी जहाज को श्रीलंका में लंगर डालने की इजाजत तक नहीं मिली, और जब श्रीलंका ने इजाजत नहीं दी तो चीन परस्त मालदीव ने मंजूरी दे दी। चलिए एक जल्द इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। चीन का ये जासूसी जहाज जो है वो जिस तरीके से मालदीव में डेरा डाल चुका है, किस तरह मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने इस जासूसी जहाज के लिए खुद को एक्सपोज कर दिया है, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि चीन की शह पर मालदीव के इस खेल को लेकर बड़ा खुलासा ये कि 8 फरवरी को जियांग यांग होंग O3 को मालदीव पहुंचना था, 14 फरवरी को मालदीव पहुंचा लेकिन जानकारी गुप्त रखी गई। जासूसी जहाज की लोकेशन ट्रैकर वेबसाइट में भी नहीं मिल रही थी। जासूसी जहाज जियांग डेटा जुटाने का शक मालदीव ने 23 जनवरी को कहा और जहाज को सिर्फ ईंधन भरने की ही मंजूरी मिली, जबकि बाद में गुपचुप तरीके से चीनी जहाज को डेटा जुटाने की मंजूरी भी दे दी गई। अब मोइजू और जिंगपिंग के इस गठजोड़ को लेकर जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, नई ऊंचाइयों पर यह गठजोड़ पहुंच रहा है और चीनी जासूसी जहाज के मालदीव आने से भारत के लिए किस तरीके से खतरा बढ़ रहा है ये समझ लीजिए, क्योंकि मालदीव तो सिर्फ मोरा है, असल चालबाजी तो चीन की है। और भारत के लिए यह खतरा कैसे है, सैटेलाइट से डेटा जुटाता है जियांग और डेटा सीधे चीन भेजता है, चीनी जासूसी जहाज, जबकि मालदीव के आसपास का डेटा जुटाने का ये शक जो है वो और गहराता जा रहा है। मालदीव का चीन के प्रति झुकाव भारतीय हितों के भी खिलाफ ही है, लेकिन जियांग यांग होंग O3 को अमेरिका स्कैन कर चुका है। इस जासूसी जहाज की स्कैनिंग के बाद जो तथ्य उभरे हैं वो भी जान लीजिए। जियांग को देखते हुए जिस तरीके से ये पूरी साजिश सामने आई है उसमें यह साफ हो गया है कि जहाज में मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी है, शिप में छिपकर सुनने वाले उपकरणों को लेकर भी बड़ा खुलासा हो रहा है, यहां तक कि 1000 किलोमीटर दूर हो रही बातचीत भी सुनाई जा सकती है। समुद्र में शोध के नाम पर जासूसी और वही चीनी सेना जिस तरीके से इसे ऑपरेट करती है उसको लेकर भी बड़ा खुलासा। चीन के पास ऐसे कुल 9 जहाज हैं।